नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तो थोड़ा कोशिश तो कर। यदि थोड़ी कोशिश की जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी असंभव जैसी कोई चीज़ तो है ही नहीं ना। और मुश्किलों के लिए कहा जाता है कि वो आती ही इसलिए हैं ताकि आपको और दो कदम आगे बढ़ा दें। सागर की लहरों को आपने देखा होगा, वो लहरें हमें और आगे की ओर बढ़ाने के लिए ही आती हैं। जो उन सागर की लहरों के साथ खेलना सीख जाते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। तो क्यों ना हम भी परिस्थितियों को आगे बढ़ने का सुंदर साधन बना लें। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य, आइए सुनते हैं। मुश्किलें आती हैं ताकि आप दो कदम आगे बढ़ सके। तितली अपनी कोकून की दीवारों से संघर्ष करके ही बाहर आती है, जो उसके पंखों को मजबूत करती है। प्रतिरोध ही हमें मजबूत करता है, लेकिन प्रतिरोध के दौरान हमारी विचार प्रक्रिया कैसी है, उस पर ही हमारा जीवन कैसा होगा ये निर्धारित होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में दुखी और नकारात्मक हो जाते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। वे विपरीत परिस्थितियों को अपने असफलता के डर को छुपाने का बहाना बना लेते हैं और प्रसन्नता पूर्वक वहीं रहते हैं जहां वे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रतिकूलता को लाभ के रूप में उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि हर चीज के पीछे एक कारण और एक उद्देश्य होता है, और कारण और उद्देश्य हमेशा सकारात्मक और लाभकारी होता है। वे स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि चुनौतियों का सामना करना ही आगे बढ़ने का तरीका है, और वे आखिरकार जीत जाते हैं। मित्रों, एक होती है मुश्किलें जो आती हैं आगे बढ़ाती हैं। कुछ मुश्किलों का आह्वान हम खुद ही करते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में आ बैल मुझे मार। ऐसी एक आदत है तंबाकू के सेवन की। हम जानते हैं कि तंबाकू कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने वाला है और हमें जीवन के अंत की ओर धकेलने वाला है। मित्रों, आज एंटी टोबैको डे है। 1987 से इस दिवस की शुरुआत हुई, तब से हर 31 मई को ये दिवस मनाया जाता है। लक्ष्य ये है कि लोगों में एक जागरूकता लाई जाए, क्योंकि ये एक ऐसी हानिकारक आदत है जो जीवन को गर्त की ओर ले जाती है, धीरे धीरे जीवन का अंत कर देती है। कहते हैं कि तंबाकू के खेत में तो गधे भी नहीं जाते, इतना ज़्यादा उनमें भी ये जागृति है। तो क्यों ना हम आज के इस दिवस पर अपने आप को एक संकल्प के साथ बांधें कि हम इस जहरीले तत्व से स्वयं को मुक्त करेंगे। और आज आपकी सेहत आपके हाथ में, इसी की बात। ओम शांति दोस्तों। दोस्तों, 31 मई को हर साल हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, तंबाकू हमारे लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए एक जानलेवा जहर है, जिससे लगभग 80 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। और इन 80 लाख में से लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनको, हालांकि वो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, किंतु तंबाकू पीने वालों के संग से उन्हें ऐसी बीमारियां, ऐसे कैंसर या ऐसा हार्ट का बीमारी या स्ट्रोक हो जाते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों ये जो तंबाकू है, इसको हम टोटली बंद कर सकते हैं। तंबाकू पीने वालों को 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, 3 गुना अधिक स्ट्रोक्स होते हैं, गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, श्वास नली का कैंसर, कई गुना ज़्यादा तंबाकू पीने वालों को होता है। पेट का कैंसर भी उनको ज़्यादा होता है, और भी उनको कई दांत खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तंबाकू ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं ना, जानवर भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें तंबाकू खेती जो होती है, उसके लिए अपने किसानों को कुछ अल्टरनेटिव हम खेती करने की सलाह दें, उनको मोटिवेट करें कि तंबाकू का उगाना बंद करें। इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ गवर्नमेंट ऐसे कानून लेकर के आए, तंबाकू का इस्तेमाल ना हो, तंबाकू को एडवर्टाइजमेंट्स ना हो, ताकि हमारा यूथ इसका सेवन ना करे। तो दोस्तों, आज हम सभी इस बात को सारे भारत में,
सारे विश्व में ये अवेयरनेस क्रिएट करें, तंबाकू से बचें, अपने वातावरण को तंबाकू से बचाएं, क्योंकि इस साल का थीम ही है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम टबैको, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को एक ऐसा हेल्दी लिविंग वातावरण बनाएं जिससे हम सब सुरक्षित रह सकें। ओम शांति। मित्रों, कई प्रकार के तर्क हम देते हैं कि हम तंबाकू का सेवन क्यों करें। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी उसके विज्ञापन को लेकर हमारे सामने आते हैं और बड़े ही लुभावने तरीके से ये बताते हैं कि यदि आप ये खाते हैं तो आप कैसे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं, कैसे जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये केवल एक विज्ञापन होता है, वास्तव में ये तो जीवन को धूल धूसरित करने वाला ही होता है। और कई बार हम एक संकल्प भी मन में उठाते हैं कि हम इस आदत से मुक्त हों, लेकिन कैसे ये हमें समझ में नहीं आता। आध्यात्मिक मित्रों इसमें बहुत मदद करता है और हमारे विशिष्ट जनों के अनुभव भी हमें बहुत मदद करते हैं कि हम बुराइयों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और कैसे अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस्ड हो सकते हैं। इसीलिए रोज़ हम आपके लिए विशिष्ट जनों की विशेष बातें लेकर आते हैं ताकि हम भी प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं आज की विशेष बात। Everybody's desire is to become better. If somebody is earning 5,000 rupees, he is wanting to earn 10,000 rupees. If he is wearing an X brand, he wants to wear a better brand. So if they can't take those things as way of life and stay where they are, then why should they stay? That's one. Second is, it's convenience. Every time I've seen that when you are involved in trying to change something which you don't control alone, you say it's way of life and you don't want to change it. And you leave it to somebody else to change it. And that somebody else is leaving it to somebody else to change it. So finally nobody's changing it. So a bike, you could change it yourself. Clothes, you could change it yourself. But an office politics, you would look a very odd man out if you are the guy who's sitting on a coffee table with five other colleagues gossiping about each other. In other words, backbiting about each other. One guy pops up and says that, let's not talk that. I don't think it's healthy. You would be the odd man out rather than the other people being the odd man. The odd has become so common that the even is actually looking as an odd. But I think that's achievable. You would not believe in my organization, people actually get angry when they hear somebody else talking about the organization in a negative manner. And that positivity is my biggest strength. And I think it's also the biggest strength as a team. We do many things together. I mean, there are evenings when we play games on a LAN with the whole team. All of us play games together. I think it's a great relationship builder. Learn to coordinate better because you are working as a team with extremely high response system. You know how to react. You also know who to rely at what stage. Even though you're pseudo playing a game character, but because you're playing as a team, you know that, okay, this is my role, this is his role, this is his role. I'm confident he's going to play his role and I'm going to play my role. So that coordination, comfort, alliance, reliability that comes because of that game being played reflects in the real life. Mitro, ek bada hi pyara sa equation hai. Minus into plus is equal to minus. Plus into minus is equal to minus. Minus into minus is equal to plus and plus into plus is equal to plus. इस equation को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि कई बार minus into plus, अर्थात हम जो चाहते हैं वो कर जाते हैं, जीवन में result negative ही होता है, जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं तो भी result minus ही होता है, अर्थात negative होता है। जो नहीं चाहते हैं वो नहीं करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, जो चाहते हैं वही करते हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव होता है। बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन है, ध्यान में रखने योग्य, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि हम अध्यात्म का दामन थाम लेते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करना प्रारंभ करते हैं, तो एक आत्मबल प्राप्त होता है जिससे हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते
वो नहीं करते और जीवन की जो डोर है वो हमारे हाथ में आ जाती है। और यही सुंदर सीख, यही सुंदर प्रेरणा और यही सुंदर शिक्षा ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रही हैं कि कैसे अपने जीवन की डोर को अपने हाथ में ले लें। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में उनके इन सुंदर सेवा कार्यों को। ब्रह्मा कुमारी वेस्ट मेरिट पल्ली सिकंदराबाद में बच्चों के लिए 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 80 बच्चों और 30 माता पिता ने राजयोग शिविर में भाग लिया। पहले दिन के सत्र में मूल्य और प्रकृति से कैसे जुड़ें, योग, सलाद पकाने की विधि, आत्मा का परिचय, व्यायाम, 7 अरब अधिनियम, ड्राइंग प्रतियोगिता तथा खेल के कार्यक्रम रखे गए। Full hand. You will bring about the world of happiness. You say yes. Say yes, yes. दूसरे दिन पौधों के साथ रचनात्मक योग। एकाग्रता के तरीके। Turn your eyes and look at the thumb tip. Don't turn your head back. स्वास्थ्य सुझाव, योग सत्र और व्यायाम, काम की दुकान और प्रतिभा दिखाने के कार्यक्रम हुए। वही तीसरे दिन एंजेल वॉक। एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में जाना है, पर धरती पर ही बनाना है। दीपक के साथ ध्यान, योग सत्र और व्यायाम, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग, सड़क सुरक्षा जागरूकता जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण सत्र हुए। साथ ही नृत्य और गीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अंत में सभी प्रतिभावान बच्चों के लिए पुरस्कार वितरण भी हुआ। मित्रों, जब कभी हमारे जीवन में खुशियों के पल होते हैं, सफलता के पल होते हैं, तो सैकड़ों लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं, अपनी पहचान प्रकट करने लगते हैं कि मैं तुम्हारा ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। लेकिन जब कभी विपदा के पल आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, बातें आती हैं, दुख के पल आते हैं जीवन में, तो बहुत ही कम लोग हमारे साथ होते हैं, लगभग ना के बराबर, क्योंकि सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कब तक हम खड़े हो पाएंगे। ऐसे में केवल एक परमात्मा ही है जो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, दुख के पल में हमें संबल देते हैं, शक्ति देते हैं। और कबीर दास जी ने जो बात कही है मित्रों, उस पर आज जरूर गौर करें। उन्होंने कहा है कि सुख दुख में सुमिरन सब कर, सुख में करे ना कोई। यदि हम सुख में सुमिरन करना शुरू कर दें, अच्छे दिनों में भी उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लें, दुख के दिन हमारे दूर हो जाएंगे और यदि आएंगे भी उसका एहसास नहीं होगा। तो क्यों ना ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करें और जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।